हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 3 गेम्स जिनके बारे में आप जानते हो, इंडस, UGW और स्टारबॉल। ठीक है, 14 अगस्त हो चुका है, कल 15 अगस्त है, मे बी शायद से कल के दिन इन तीनों में से एक गेम तो जरूर लॉन्च हो जाएगा। अब वो कौन सा गेम हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, वही मैं बात करने वाला हूं आपको। थर्ड नंबर पर हमने रखा है UGW को। तो UGW का अभी एक प्ले टेस्ट हुआ था 30 तारीख को, ठीक है, 30 जुलाई को हुआ था। तो उसके बाद एक और अपडेट आने वाला है अभी इनका ग्राफिक को रिलेटेड लेके, और थोड़ा सा सॉरी, पहले जो इनका आया था ग्राफिक से रिलेटेड आया था, बट अभी जो आने वाला है उसमें इन्होंने अपने कैरेक्टर का मूवमेंट जो है फास्ट किया हुआ है, और भी थोड़े से चेंजेस इन्होंने किया है, कैमरा एंगल को लेकर चेंजेस किया इन्होंने। तो मुझे तो नहीं लगता कि नहीं कल के दिन ये गेम आ सकता, क्योंकि अभी ये तो प्ले टेस्ट हुआ भी नहीं है। तो इसके बाद प्ले टेस्ट होगा, फिर उस पर फीडबैक आएगा, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। तो ये तो कल के दिन तो बिल्कुल ही आने वाला गेम नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो बचता है हमारे पास स्कारफॉल। तो आपको स्कारफॉल के बारे में पता कि ऑलरेडी वो प्ले स्टोर पर रह चुका है, तो इसका चांसेस थोड़ा सा मेरे को 50% लग रहा है, क्योंकि पहले भी वो इस प्ले स्टोर पर आ चुका है। अब ये स्कारफॉल 2.0 के नाम से आने वाला है, और इसमें जो गेम में प्रॉब्लम्स की मैं बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ एक ये कि अभी तक ऑटो मैचिंग वाला ऑप्शन नहीं आया हुआ है। यहाँ पर आपको जाकर रूम वगैरह क्रिएट करके खेलना पड़ता है, जिसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो मैं खुद भी खेल के देखा है, तो इसमें अभी कोई इश्यूज तो नहीं है, TDM वगैरह भी अच्छा चलता है। बाकी इनका मुंबई मैप, अंडमान मैप दोनों भी मैंने खेल के रखा है दोस्तों के साथ, अच्छा चलता है, कहीं पे ऐसा लैग वगैरह इश्यूज देखने नहीं मिलते। लो एंड डिवाइस के लिए भी अच्छा चीज़ है, बट देखते हैं कि ये चांस है कल के दिन में, कि कल के दिन ये हो सकता है प्ले स्टोर पर आ सकता है। बाकी अगर इसके अलावा मैं बात करूँ इंडस की बात, तो इंडस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडस भी मैंने खेला हुआ है। तो ये जो है मैंने इसका TDM जो TDM मैप खेला हुआ है, TDM में FPP मोड एक्चुअली चलता है, तो TDM तो अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, नो डाउट अच्छा है। बट अगर जब मैं इरेंगल खेलता हूँ, इनका मतलब इनका जो बड़ा मैप है वो खेलने जाता, तो वहाँ पे क्या होता ना, मुझे पिन जो है ना बहुत ज़्यादा हाई देखने मिलता है, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना बहुत ज़्यादा हाई देखने मिलता है, इतना ज़्यादा हाई देखने मिल रहा है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको। ये अगर अभी भी कैसा है फिर भी कि ये बीटा वर्जन है, इसके लिए पिन हाई होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पबजी मोबाइल वगैरह खेलते होगे, तो अगर आपने उनका बीटा टेस्ट कभी किया होगा तो उसमें अभी भी पिन हाई होता है, बीटा टेस्ट में आपको पिन हाई ही देखने मिलता है। तो शायद इसके वजह से इनका कुछ इशू होगा कि अभी बीटा टेस्ट है, इसके लिए पिन हाई चल रहा है, बाद में ग्लोबली लॉन्च होगा तो शायद से ठीक हो जाएगा ये सब, क्योंकि उसमें भी कोई इशू है नहीं गेम में, गेम तो सब कुछ अच्छा है, मक्खन चल रहा है, रॉयल पास वगैरह भी आ ही चुका है, आप देख सकते हो जाके देखोगे तो इंडस, बाकी दोनों गेमों में तो नहीं बट इस गेम में रॉयल पास वगैरह आ चुका है। तो ये ज़्यादा चांसेस है गाइस आने का, लिख के दे रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा चांस, मतलब 90% चांस है कि ये गेम कल के दिन लॉन्च हो सकता है, और अगर कल के दिन में नहीं होगा तो समझ लो कि ये 1 से 2 महीने के बाद ये लॉन्च होना ही 100% श्योरिटी हो जाएगा, क्योंकि रॉयल पास दे दिया है, मतलब समझ रहे हो, ये रॉयल पास तो दोबारा आने वाला नहीं है, इसके लिए ये चांस है कि आ जाएगा ये। तो आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन सा इन तीनों में से कौन सा गेम आ जाएगा? बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है कि कौन सा गेम आ सकता है पहले, मुझे तो लगता है इंडस आ जाएगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन गेम से रिलेटेड न्यूज देखने मिलेंगी, बाकी कोई भी नहीं। UGW का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ, UGW आएगा मैं उसको खेलना स्टार्ट करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप चाहते हो इंडियन गेम को सपोर्ट करना और इंडियन कंटेंट देखना, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।